आईपीएल 2024 में आरसीबी ने एक बार फिर अपने घर पर हार झेली। पिछले मैच में कोलकाता से एक तरफा अंदाज में हारने वाली आरसीबी इस बार लखनऊ सुपर जायंट से भी मैच गवा बैठी। बेंगलुरु में खेले गए मैच में लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रन बनाए, जवाब में आरसीबी के बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए और टीम 28 रनों से मैच हार गई। बेंगलुरु की टीम में कहने को बड़े बड़े बल्लेबाज है, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ कोई नहीं चला। सबसे ज्यादा 33 रन महिपाल लोमरोर ने बनाए। रजत पाटीदार ने भी 21 गेंदों में 29 रनों की पारी खेली। विराट कोहली महज 22 रन बना सके। मैक्सवेल तो खाता ही नहीं खोल पाए और कैमरून ग्रीन के बल्ले से सिर्फ 9 रन निकले। आरसीबी की हार की सबसे बड़ी वजह तेज गेंदबाज मयंक यादव बने। दाएं हाथ की इस गेंदबाज ने अपनी तेज रफ्तार गेंदों से बेंगलुरु को दहला दिया। मयंक यादव ने 4 ओवर में 16 डॉट गेंद फेंकी और उन्होंने 15 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। मयंक ने ग्लेन मैक्सवेल और ग्रीन को आउट कर बेंगलुरु के मिडल ऑर्डर को खत्म कर दिया। रजत पाटीदार भी मयंक का ही शिकार बने। मयंक यादव की कहर से पहले लखनऊ के ओपनर क्विंटन डिकॉक ने कमाल की बैटिंग की। इस खिलाड़ी ने 5 छक्कों के दम पर 56 गेंदों में 81 रनों की पारी खेली। निकोलस पुरन ने भी 21 गेंदों में 40 रनों की पारी खेली। इस खिलाड़ी ने भी आखिरी 2 ओवरों में नाबाद 40 रनों की पारी खेली। लखनऊ की इस जीत के बाद आईपीएल 2024 की अंक तालिका में बड़ा बदलाव हुआ है। लखनऊ ने 3 मैचों में 2री जीत हासिल कर अंक तालिका में 4था स्थान हासिल कर लिया है। ये टीम अच्छे नेट रन रेट के दम पर गुजरात टाइटंस से आगे निकल गई है। दूसरी और आरसीबी ने 4 में से 3 मैच गवा दिए हैं, उसे सिर्फ एक ही जीत मिली है और ये टीम अंक तालिका में 9वें नंबर पर है। तो इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।